दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीते 24 दिसंबर को तुनिसा शर्मा ने खुद को फांसी लगा ली, जो कि अली बाबा दास्ताने कबूल में मरियम का किरदार निभा रही थी। और जब से इनकी डेथ हुई है, तब से ही अली बाबा की शूटिंग भी रुक चुकी है और सीरियल के अली बाबा भी इस समय पुलिस की हिरासत में है। ऐसे में सभी सवाल कर रहे थे कि नए अली बाबा कौन होंगे, जहाँ फाइनल हो चुका है कि अली बाबा के किरदार में कौन सा अभिनेता नजर आने वाला है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा अभिनेता है जो अब सिजान खान की जगह लेता हुआ नजर आएगा। अगर जानना चाहते हैं आप भी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। तुनिसा शर्मा की जब से मौत हुई है, तब से ही टीवी इंडस्ट्री में मातम सा छा गया है और अली बाबा दास्ताने कबूल का सेट तो जैसे सूना ही पड़ गया है। और जब से सीरियल की शूटिंग रुकी है, तब से ही दर्शक सवाल कर रहे हैं कि नए अली बाबा कौन होने वाले हैं। तो वही अब नए अली बाबा पर से पर्दा उठ चुका है। जी हां, सभी का सवाल था कि आने वाले एपिसोड में अली बाबा यानी सिजान खान की जगह कौन नजर आने वाला है। तो वही अब खबरें आ रही है कि सिजान खान की जगह अभिनेता अभिषेक निगम को साइन कर लिया गया है। अभी तक अभिषेक शो से जुड़ने के लिए इनकार करते रहे थे, लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े एक करीबी सोर्स ने ये कंफर्म किया है कि अभिषेक निगम ही शो में आगे अली बाबा के किरदार को कंटिन्यू करेंगे। खबरों के मुताबिक अभिषेक के साथ बातचीत जारी है और वो जल्द ही प्रोमो को शूट भी कर लेंगे। वही कहानी फिलहाल एक नकाबपोश शख्स के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, लेकिन जल्द पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरह से शो की कहानी आगे दिखाई जाएगी। खबरों के मुताबिक शो में आगे दिखाया जाएगा कि अली गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन प्राचीन कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए उसे ठीक किया गया, जिससे उसे नया चेहरा मिला है, जो कि होगा अभिषेक निगम का। बता दें कि अली बाबा का ट्रैक उस वक्त आएगा जब शो में नए विलन मुर्सा की एंट्री होगी। खबरें हैं कि ये किरदार ट्विंकल वशिष्ठ निभाएंगे और इसी विलन से फाइट के दौरान अली बाबा का चेहरा सामने आएगा। और अब देखना ये है कि सिजान के किरदार को अभिषेक निगम किस तरह से पर्दे पर निभाएंगे और क्या वो इस किरदार को जस्टिफाई कर पाएंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभिषेक निगम इस किरदार को निभा पाएंगे या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।